दिल्ली एनसीआर का इलाका उमस भरी गर्मी से परेशान था। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में बादल बरसे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। दोपहर आई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया था। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही आज दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश होने की संभावना जताई गई थी। आईएमडी के बयान में कहा गया था कि दिल्ली में अभी तक वैसी बारिश नहीं हुई है जैसी की उम्मीद थी, इसी वजह से यहाँ पर उमस बढ़ गई थी। बता दे, आने वाले दो दिनों में यहां पर मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है। गर्मी के साथ साथ दिल्ली में बारिश आने के बाद पॉल्यूशन में भी कमी दर्ज की गई है और हवा साफ हुई है। आइए जानते हैं दोपहर 3 बजे दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई कैसा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश आने के बाद तापमान कैसा रहा, आइए ये भी जान लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अंडमान और निकोबार आइलैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों, बिहार, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड, ओडिशा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, रायल सीमा, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश संभव है। लोकल 18 के लिए नोएडा से योगिता महेश्वरी की रिपोर्ट।